दो घंटे का प्रदर्शन था। ये आउटसोर्स के कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिलता, इसके लिए ये दिया गया था। इसके लिए सब डिवीज़न इंडस्ट्रियल एरिया, सब डिवीज़न सिटी, सब डिवीज़न दोनों ने अपने एसडीओज को नोटिस दिए थे। सिटी यूनिट ने एक्शन साहब को भी 10 दिन पहले नोटिस दिया था कि 7 तारीख से पहले इनकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जो इनकी तनख्वाह है वो 7 तारीख तक नहीं आई। अभी हमने मीटिंग करी और मीटिंग के अंदर हमें पता चला कि एक्शन साहब ने बताया कि हमने जो चेक है वो 7 तारीख को काट दिया था, और उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि आगे से जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनको जो वेतन है वो 7 तारीख से पहले निश्चित तौर से दिया जाएगा। इसलिए हमने आगे के जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिए हैं। आज का धरना हमारा सिर्फ आउटसोर्स के कर्मचारियों का समय पर वेतन न मिलने के कारण जो अपना संगठनात्मक कार्रवाई करेगी, हम इसके लिए दोबारा से नोटिस देंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने भी आदेश जारी किए हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने स्पष्ट तौर से ये निर्देश दिए हुए हैं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है इनको 1 तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए। हम सिर्फ सरकार ने जो आदेश दिए गए हैं हम उन्हीं की अनुपालना के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि हमारा कोई निजी इसके अंदर स्वार्थ है या यूनियन का कोई निजी इशू है। हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इनको समय पे वेतन नहीं मिलने के कारण दूध वाले को दूध पैसे नहीं दिए जाते, किराए वाला रेंट नहीं दे पाता, इसलिए उनके जो परिवार के ऊपर जो गुजरती है उसको हमने HSE वर्कर यूनियन ने बड़ा दिल से महसूस किया है कि ये बहुत एक विकट स्थिति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नोटिस दिया था। आगे से इनको समय पर वेतन मिलेगा ऐसा हमें एक्शन सिटी ने आश्वासन दिया।